दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को सन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताने वाला हूँ। इसका पहला वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और इन फैक्ट्स को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप लोगों को सन के बारे में और जानने की इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सन के स्ट्रक्चर और रोटेशन के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो दोस्तों, सन कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक गैसियस ऑब्जेक्ट है। जो सन का शेप है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो एक नियरली स्फीयरिकल शेप का है, क्योंकि जो सन है वो एक गैसियस ऑब्जेक्ट है। उसके जो लेयर्स हैं उसमें गैसेस बर्न हो रही होती हैं। जो सन का कोर है वो एक बहुत डेंस कोर है और वहाँ पर भी गैसेस होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती हैं। इसलिए सन का कोर जो है वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है। बाकी जो जितना भी सन दिखाई देता है, बाकी का जितना भी परसेंटेज है ऊपर का, वो पूरा गैसेस बर्न हो रही होती हैं। इसीलिए सन का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। सन का जो इक्वेटोरियल और पोलर डायमीटर्स हैं वो दोनों काफ़ी अलग अलग हैं, जिसकी वजह से सन का जो रोटेशन होता है इक्वेटोरियल एक्सिस के अलॉन्ग और पोलर एक्सिस के अलॉन्ग अलग अलग होता है। इक्वेटोरियल एक्सिस के अलॉन्ग सन अपनी एक रोटेशन को 25.4 डेज में कंप्लीट कर लेता है। वहीं देखा जाए तो पोलर डायमीटर के अलॉन्ग सन जो अपना पहला रोटेशन है वो 36 डेज से भी ऊपर टाइम ले लेता है उसको कंप्लीट होने में। और दोस्तों, ऐसा ही सिमिलर बिहेवियर जो अपने गैसियस प्लैनेट्स हैं, मार्स के बाद जो जितने भी प्लैनेट्स आते हैं, वो जो गैसियस प्लैनेट्स हैं उनमें भी बिल्कुल सेम बिहेवियर हम लोग को देखने को मिलता है। दोस्तों, जो अपने सन का कोर होता है वो इनर 25% पार्ट ऑफ रेडियस में ही होता है। मतलब कि जो सन का अंदर का 25% पार्ट है वो हमारा कोर कहलाता है, और कोर का टेम्परेचर 15.6 मिलियन केल्विन होता है, और वहाँ पर 250 बिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जो अपने अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो अपने जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर 10^5 टाइम्स न्यूटन का फोर्स लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है अपने अर्थ में, उसके ऊपर 1 लाख न्यूटन का फोर्स लग रहा होता है, और उस प्रेशर को हम लोग 1 atm प्रेशर कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सन के जो कोर में जो प्रेशर है वो 250 बिलियन atm प्रेशर है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है। इसी वजह से जो सन का कोर होता है वो गैसियस होने के बाद भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों, जो सन का जो कोर होता है उसकी डेंसिटी 150 टाइम्स वाटर की डेंसिटी के बराबर होता है। दोस्तों, जो सन के कोर में जो एनर्जी जनरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि जो सन की जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है उसका 99% जो एनर्जी होती है वो सन के केवल कोर में जनरेट होती है। बाकी जितना भी पार्ट होता है सन का, वो सारा उस एनर्जी को बस रेडिएट कर रहा होता है। दोस्तों, जो सन का कोर होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, वो इनर 25% में होता है। इसका मतलब जो बाहर का 75% बचा हुआ है उसमें केवल गैसेज हैं जो कोर की एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसकी हेल्प से बर्न हो रही होती हैं, और कोई गैसेज का तो कोई फिक्स शेप होता नहीं है। इसीलिए सन का साइज़ थोड़ा बहुत इक्वेटर और पोल्स में चेंज होता रहता है। दोस्तों, जो सन की पावर होती है वो 386 बिलियन मेगावाट्स होती है। मतलब कि जो अपना सन होता है वो 386 बिलियन मेगा जूल्स एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है पर सेकेंड, और ये जितनी भी एनर्जी होती है ये न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस की वजह से हम लोग को मिलती है। दोस्तों, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सन एक सेकेंड में 600 मिलियन टन्स हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और 4 मिलियन टन्स मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये उसी की वजह से होता है कि इतनी पावर जनरेट हो पाती है सन के पास, जो कि 386 बिलियन मेगावाट्स है। दोस्तों, जो सन का सरफेस होता है उसे हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 5800 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। दोस्तों, जो सन की सरफेस होती हैं उसकी कई लेयर्स होती हैं, जैसे कि जो मैंने अभी बताया आपको फोटोस्फीयर होता है, उसके ऊपर भी 2-3-4 कई सारी ऐसी लेयर्स होती हैं जिनका टेम्परेचर भी काफ़ी अलग होता है
और उनका उनकी जो वर्किंग होती है वो भी काफ़ी चेंज होती है। दोस्तों एक मज़े की बात यहाँ पर ये है कि जो सन में सबसे कूलेस्ट जो जगह होती है उन्हें हम लोगों ने सन स्पॉट नाम दिया हुआ है, जिनका टेम्परेचर 3800 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। ये टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए तो बहुत हाई है, लेकिन सन के लिए सबसे कूल टेम्परेचर होता है। और इसी वजह से ये जो सन स्पॉट होते हैं ये डार्क कलर के दिखाई देते हैं सन में, क्योंकि जो सन का की सराउंडिंग्स होती हैं वो येलो और ऑरेंज कलर की होती हैं, इसीलिए उसके बीच में जो सन स्पॉट होते हैं जो सबसे कूल जगह होती हैं वो एक डार्क स्पॉट की तरह दिखाई देती हैं हम लोगों को। और दोस्तों जो ये सन स्पॉट होते हैं ये बस एक छोटी छोटी जगह होती हैं, लेकिन इन जगहों का डायमीटर भी 50,000 किलोमीटर तक हो सकता है। दोस्तों अब फोटोस्फीयर के ऊपर की एक लेयर आती है जिसे हम लोग क्रोमोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों जो सन का एटमॉस्फेयर होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्रोमोस्फीयर, सेकंड होता है ट्रांजिशन रीजन, थर्ड होता है कोरोना और फोर्थ होता है हीलियोस्फीयर। जो सन का एटमॉस्फेयर होता है वो नॉर्मली हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है ना जिस टाइम पे, वो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, कुछ ही मिनट्स का टाइम होता है, तब हम लोग को जो एटमॉस्फेयर होता है सन का वो दिखाई पड़ जाता है। दोस्तों इसमें से जो क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना है, ये तीनों लेयर सन के जो सरफेस होता है उससे बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। दोस्तों जो सन की कूलेस्ट लेयर होती है उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है, और ये फोटोस्फीयर के ऊपर होती है। इसका टेम्परेचर 4100 केल्विन के अप्रॉक्स होता है, और ये इतनी कूल हो जाती है कि ये CO2 और वाटर की एग्जिस्टेंस को भी सपोर्ट करती है। इसका मतलब कि इस लेयर में CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी दिखाई पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले बताया था कि सन स्पॉट जो होते हैं उनका टेम्परेचर 3800 केल्विन होता है, और ये जो लेयर बताई इसका टेम्परेचर 4100 केल्विन है। तो दोस्तों आप इसमें से इनमें कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि सन स्पॉट जो है वो सन के सरफेस की बात कर रहा था मैं, कि उसके सरफेस में जो सबसे कूल जगह होती है वो क्या होती है, और ये जो लेयर है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये एक लेयर है और जितनी भी लेयर्स हैं उसमें सबसे कूल लेयर यही है, जिसका टेम्परेचर 4100 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। दोस्तों जो कोरोना है वो क्रोमोस्फीयर के ऊपर होता है, और ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होता है स्पेस में, लेकिन ये नॉर्मली हम लोग को विजिबल नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सन का एटमॉस्फेयर होता है वो केवल टोटल सोलर इक्लिप्स जब होता है तभी हम लोग उसे देख सकते हैं, और सन के एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है कोरोना, तो इसको भी हम लोग तभी देख पाएंगे जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। और ये टोटल सोलर इक्लिप्स जो होता है वो कुछ ही किलोमीटर्स की रेंज में होता है और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। दोस्तों जो ये कोरोना होता है इसका टेम्परेचर 1000000 केल्विन से भी ज़्यादा का हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो एटमॉस्फेयर की स्टार्टिंग की 3 लेयर्स हैं, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन्स और कोरोना, इन तीनों का टेम्परेचर सन के सरफेस से बहुत हाई होता है, और उसी में से कोरोना का टेम्परेचर 1000000 केल्विन के अप्रॉक्स पहुँच जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जो इसके आगे की चीज़ें होंगी वो सन की जो वीडियो सीरीज चल रही है इसी के आगे के वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू, और अब मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।